माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। माननीय, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ हैं और इस संविधान की धज्जियाँ इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, माननीय, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके DM राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं माननीय बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है? और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नीयत के साथ वक्फ की के आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं, उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर इन अध्यक्ष जी दो मिनट दे दीजिए, एक सेकंड भी नहीं। श्री GM बाल योगी, श्री GM हरीश बाल योगी, थैंक यू स्पीकर सर। एक मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ एक सेकंड के अंदर। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812-7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।